दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने बकरियों के लिए अलग अलग तरीके का हरा चारा अपने खेत में लगाया है, लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से, पानी की वजह से वो चारा जो है तो सूखते जा रहा है। इसलिए हमने जो अभी जो हमारा मेथी घास है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें हम जो है तो रेन पाइप के जरिए से भरने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम जो है तो रेन पाइप किस तरह से फिट कर रहे थे और जो है तो रेन पाइप से किस तरह से वो भरा जाएगा। तो आज जो है तो हमारा रेन पाइप फिटिंग जो है तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और आज हमने जो है तो उसके लिए जो है तो उसे चालू भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अभी रेन पाइप के जरिए से ये भरना चालू है। देखिए, इस तरह से ये रेन पाइप चालू है और रेन पाइप से ये जो है तो मेथी घास भरना चालू है। देख सकते हैं आप इस तरह से। इस तरह से ये चालू है। देखिए, अभी रेन पाइप का क्या देखने को मिला हमें कि अगर घास इस तरह से काटा हुआ है तो एक साइड 6 से 7 फीट पानी मारता है और दूसरे साइड 6 से 7 फीट पानी मारता है, और अगर चारा काटा हुआ नहीं है, इस तरह से अगर बड़ा बड़ा घास है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि चारा बड़ा होने की वजह से पानी चारे की वजह से दूर नहीं जा पाता है। लेकिन अगर काटा हुआ चारा है, देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, देखिए भरने का आप देख सकते हैं कि हमने ये जो दो आरी है तो दो आरी के बीच में एक रेन पाइप डाला है, इधर ऐसा दो आरी के बीच में एक रेन पाइप डाला है।